सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर बता दूं कि आप लोगों का पबजी मोबाइल के अंदर एक न्यू इवेंट आ चुका है। और गाइस, यहां से आप लोगों को एक परमानेंट के लिए जो US की स्किन मिलने वाली है, इसके अलावा गाइस आप लोगों की आउटफिट हो गई परमानेंट, इसी के साथ आपको पैराशूट की स्किन देखने को मिलेगी। एंड साथ ही में गाइस आप लोगों को एक हेलमेट भी यहाँ से मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर अगेन परमानेंट होने वाला है। तो सब कुछ गाइस यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, किस तरीके का इवेंट है, सबको लेकर एक एक करके बताती हूँ। और देखो, यहाँ पे आप लोगों का एक इवेंट आ चुका है जिसका नाम है बियर कार्ड कलेक्शन करके। और यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं नीचे वाले, वो जो तीन रिवॉर्ड्स है, ये तीनों रिवॉर्ड्स आपके कभी ना कभी गेम के अंदर आ चुके हैं, जो आपके US हो गई, इसके अलावा आप लोगों का हेलमेट का स्किन हो गया, फिर आप लोगों की जो एक पैराशूट है, ये कभी ना कभी आपकी गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। बाकी ऊपर के जो आइटम है, जैसे कि आउटफिट हो गया, हेड गियर हो गया एंड SKS की स्किन है, तो वो एकदम ब्रांड न्यू आइटम है, वो अभी तक कहीं नहीं आया है गेम के अंदर। और चलो अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने इवेंट में। तो इवेंट आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, और इवेंट को लेकर तो बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं इसके रूल्स, कि रूल्स के अंदर हमको क्या बोला गया। तो देखो, सबसे पहले आपको रूल्स में ये बोला गया है कि आप लोगों को इस इवेंट के अंदर थोड़ा बहुत UC लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप लोग UC लगा के स्पिन करते हो तो आप लोगों को कुछ पीसेस मिलेंगे पजल के। तो आपको जो टोटल मिला के 9 पीसेस चाहिए होंगे किसी भी एक आइटम को लेने के लिए। अब यहाँ पे आपको जो मैं 6 आइटम्स दिखाई हूँ, उन आइटम्स में से अगर आपको कोई सा भी आइटम चाहिए तो वो चीज़ आप लोग ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली मिलेगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम चाहिए तो वो चीज़ आप लोग ले सकते हो। अब कैसे लेना है वो चीज़ आपको आगे बता दूंगी। और बाकी यहाँ पे देखो, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्पिन करते हो एक दिन में, तो आप लोगों का 30 UC लगेगा, और जैसे ही आप लोग उसके बाद स्पिन करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे 60 UC करके जो है लगते जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आपको यहाँ पे जो स्पिन करना है, और बाकी जैसे ही आप लोगों को जो पजल के पीसेस है टोटल मिला के मिल जाते हैं 9, तो आपको जो परमानेंट आइटम है वो चीज़ यहाँ से जो परमानेंट के लिए मिल जाएगी। और बाकी अगर आप लोगों को कोई आइटम ऐसा है जो नहीं चाहिए, उसको आप लोग चाहो तो उसका पजल का पीस आप लोग रिसाइकल करके और जो आइटम आपको चाहिए उस पे जो यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ तो आपको समझ आई नहीं होगी, अभी रुक जाओ, अभी आपको आगे सब कुछ समझ आने वाला है। बाकी यहाँ पे देखो, आप लोगों के ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स हो गए, और इसमें से अगर आपको कोई भी एक रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके पास जो भी पजल के पीस है उनको यहाँ पे आप लोग जो है कंबाइन कर सकते हो। अब ये चीज़ का आप लोगों को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे रिसाइकल करना है, वो चीज़ तो मैं आगे आपको बता दूंगी थोड़ा बहुत स्पिन करने के बाद। और वीडियो को यही बोलूँगी एंड तक ज़रूर वॉच करना। और हाँ, यहाँ पे देखो, आप लोगों को जो रिसाइकल का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आप लोग चाहो तो कोई भी एक यहाँ से कार्ड ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको US ही चाहिए तो आप लोग US का कार्ड यहाँ से ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे देखो, आप लोगों को यूज़ कोड का एक ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ पे आप लोग अपना कोड डाल सकते हो। अब ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा पबजी मोबाइल के ऑफिशियल सर्वर्स पे, या तो इंस्टाग्राम पेज पे या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को यहाँ से एक कोड मिल जाएगा। और अगर आप उसका यूज़ करते हो तो आपको एक पजल का पीस तो श्योर है कि मिलेगा ही, कहीं से भी रैंडमली कोई सी भी आइटम का। अब बाकी गाइस यहाँ पे देखो, मैं एक बार स्पिन की और मेरे को मिल चुका है कैप का एक पीस, तो इसको यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। और बाकी अगर आप लोगों को ये कैप नहीं चाहिए, आपको कोई और चीज़ चाहिए, तो आपको सीधे चले जाना है रिडीम वाले ऑप्शन पे। जैसे आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आप लोगों को कुछ और अलग तरीके के पीसेस चाहिए होंगे, मतलब वो जो पजल पीस है उससे तो आप लोग कलेक्ट करके 9, जैसे ही आप लोग कलेक्ट करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर आइटम मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा कुछ पीस चाहिए होगा। और ये पीस आपको तब मिलेगा जब आप लोग पजल के पीस को रिसाइकल करते हो। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को कुछ रिसाइकल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जैसे ही गाइस यहाँ पे आप लोग आकर और रिसाइकल कर देते हो किसी भी अपने पीस को, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ 2 और एक्स्ट्रा अलग तरीके के कार्ड्स मिलेंगे। अब जैसे ही गाइस वो कार्ड्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और पहले तो देख लो, मेरे को यहाँ से 2 कार्ड्स मिल चुके हैं टोटल। अब ये जो आप लोगों को कार्ड्स मिले या फिर आइटम्स बोल लो, तो ये आइटम जो आप लोगों को मिले इसको लेकर आपको चले जाना है कंबाइन वाले ऑप्शन पर।
एंड जैसे ही आप एक बार कंबाइन पे जाते हो तो आप लोगों को जो है सेलेक्ट कर लेना जो भी आप लोगों को पीस चाहिए पज़ल का, उस वाले पीस को, मतलब उस वाले पज़ल के पीस को आपको सेलेक्ट कर लेना। और बाकी देखो, US के लिए आप लोगों को टोटल मिला के 5 आइटम्स चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 है यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा पैराशूट है इसका जो एक पज़ल पीस टोटल मिला के जो एक कलेक्ट कर लेती हूँ। अब एक बार जैसे आप लोग कलेक्ट करोगे तो आप लोगों का जो कैप वाला पज़ल पीस रहेगा वो आप लोगों का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि रिसाइकल हो जाएगा आप लोगों के पैराशूट वाले पज़ल पीस में। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप लोग को यहाँ पे खेलना होगा इस पूरे पज़ल के गेम को। अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे खेलते हो तो आपको जो भी आइटम चाहिए, मतलब अगर आपको US चाहिए तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी देखो यहाँ पे मेरे को ये जो पैराशूट की स्किन है ये चीज़ यहाँ मिल चुकी है, हालांकि बस एक पज़ल का पीस होने पर एक दिन के लिए मिली है। 9 पीस हो जाएंगे तो आपको पूरा परमानेंट के लिए ये चीज़ मिल जाएगी। तो यही था गाइज आज की इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।